एनजेपीसी से मिले सिख जत्थेबंदियों के वकील आज की घटना पर दिया मांग पत्र। एसजीपीसी फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाने के लिए लाएगी नया प्रस्ताव। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप लापता मामले में कल से सिख जत्थेबंदियों व निहंग सिंह जत्थेबंदियों द्वारा एसजीपीसी कार्यालय के बाहर विरोध किया जा रहा था, जिस पर एसजीपीसी टास्क फोर्स द्वारा संघर्ष कर रही जत्थेबंदियों पर लाठीचार्ज किया गया। इस लाठीचार्ज में कुछ लोग घायल हुए, जिसके उपरांत जत्थेबंदियों की ओर से वकील द्वारा आज बाद दोपहर एक मांग पत्र दिया गया, जिसमें रोष जताया गया कि टास्क फोर्स द्वारा की गई कार्रवाई निंदनीय है। इसके साथ ही एसजीपीसी द्वारा आरोपियों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कराने के फैसले पर लिए गए यूटर्न पर आपत्ति जताई गई, जिस पर एसजीपीसी ने आश्वासन दिया कि वह आरोपियों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कराने को लेकर नया प्रस्ताव लाएंगे। अज असि श्रोमणी कमेटी दे मेमोरेंडम देके आए हैं, जिद श्रोमणी कमेटी को कहा कि जिहड़ा तुसी मता पास किया है कि दोषियों के खिलाफ फौजदारी परचा दर्ज नहीं होगा, उन्होंने रद्द किया जाए। तो जिहड़ा अगला तुहाडा इंटरम कमेटी की मीटिंग हैगी है, उहदे विच नवा मता लैके आया जाए कि जिहड़े दोषी ने उन्होंने खिलाफ़ फौजदारी परचा दर्ज होना चाहिए। अच्छ बड़ी उन्होंने अश्योरेंस दी है जी, बड़ा सिंसियरिटी ना लिया, वो महसूस करते हैं भी जो भी होया गलत होया श्रोमणी कमेटी का फर्ज हैगा सी, जिहड़ा नहीं कर सके। कहिंदे ने जी असीं अज खोल देवांगे इन्हां नूं, ये जब तक FIR दर्ज नहीं होगी। असी कमिश्नर साहब नूं मिलन जा रहे हैं जी इस सारे इशू नूं लैके, बड़ा मंदभाग हैगा इत्थे जिहड़ा गुरु साहब का घर हैगा सारे लिए खुला हैगा, इत्थे श्रोमणी कमेटी का फर्ज बनता भी थोड़े सियाने बंदे डिप्यूट करके जिहड़ा वा इहनूं एमिकेबली रिजोल्व करन जी। फिलहाल मेरे नोटिस ही नहीं हैगा जी कीती कि नहीं कीती हैगी। ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਵਾਓਗੇ ਜੀ, ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਜੇ ਤੋ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ पंथक जथेबंदियों के नुमाइंदियां ने एक मंग पत्र दिता है मेमोरेंडम। उस मेमोरेंडम दे विच एक गलता यह की गई है कि जिहड़ा 27 अगस्त को फैसला किया अंतरिम कमेटी ने कि असी दोषी कर्मचारियों के खिलाफ धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के जिहड़े 328 रूपां के बारे लापता हुए ने उन्होंने दोषियों के खिलाफ असी फौजदारी कार्रवाई करांगे, लेकिन 5 तरीक की सितंबर की मीटिंग ये यूटर्न कर लिया। तो अज के मेमोरेंडम के प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को जथेबंदियों के नुमाइंदा ने यह लिख के दिता है कि जिहड़ा तुसी यूटर्न किया उसनू वापस लैण वास्ते जिहड़ा है अंतरिम कमेटी की मीटिंग जिहड़ी है फौरन कॉल की जाए और उहदे विच फौजदारी केस दर्ज करन दा मता जिहड़ा है दोबारा पास किया जाए। एक तो यह गल उन्होंने प्रवान की है, उन्होंने कहा कि असी करांगे। दूसरी गल हैगी है कि जिहड़ा तुसी देख रहे हो कि दरबार साहब के रस्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के रस्ते बाबा गुरुद्वारा बाबा अटल साहब रस्ते जाने वाले रस्ते जिहड़े ने टीना दे नाल इन्होंने सारे ब्लॉक किए ने, इहदे वास्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिकारियों ने प्रवान किया कि असी अज की रात विच यह सारा कुछ क्लीयर कर देंगे, रिमूव कर देंगे, जिहदे नाल कि संगतां नूं किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कुछ। जथेबंदियों वालों कानूनी कार्रवाई जिस वेले कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये अंतरिम कमेटी ये मता पास कर देगी, उहदे बाद जिहड़ी ये कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो एक गल क्लीयर कर दिया मैं संगतां नूं कि ये मोर्चा जिहड़ा है निरंतर जारी रहेगा जब तक कि इन्हां दोषियों के खिलाफ जिहड़ा है वो फौजदारी केस रजिस्टर नहीं होंगे। अज जिहड़ा टास्क फोर्स ने जिहड़ा हमला किया
मैं तो यह कहांगा एक खूनी कार्रवाई की गई है, खूनी कार्रवाई जिदे नाल कि संगतां दे विच इन्हां नूं डराउण दा धमकाउण दा कोशिश की है टास्क फोर्स ने, क्योंकि संगतां अज भी इत्थे बिल्कुल शांतमय तरीके नाल सतनाम वाहिगुरू का जाप कर रही सीगियां। तो टास्क फोर्स जिहड़ी है उहदे दिलों दिमाग दे विच इह गल पाड़ती गई है कि ये जिहड़े धरना देण वाले ने यह पंथ के दुश्मन ने, जबकि हकीकत है कि यह सचियार सिख ने और इन्होंने इंसाफ लैण लई इत्थे बैठे सीगे। अज जो कुछ भी जिहड़ी कार्रवाई सवेरे टास्क फोर्स ने की है वो दे नाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी है वो कलंकित होई है, पूरे सिखां दे मना दे विच, पूरे विश्व के सिखां दे मना दे विच अज कलंकित होई है। तो मैं जे यह भी कह दियां कि श्रोमणी कमेटी नहीं बल्कि एक खूनी कमेटी है, तो कोई अतकथनी नहीं होगी, नहीं तो कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो अज इत्थे झगड़ा होया इत्थे ओ दे उत्ते कानूनी कार्रवाई करन वास्ते साडे वकील साहब जिहड़े ने ओ विचार करके दसणगे। लगता नहीं श्रोमणी कमेटी कल डे बाय डे अपने गल्लां दे विच अपने इत्थे प्रोग्राम दे विच आ भी फस गए। देखो जी, श्रोमणी कमेटी जिहड़ी है एक गल बड़ी स्पष्ट है की है कि ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਦਮ ਬਾਈ ਕਦਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫੌਰਨ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।